दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12th में। देखिए, हम आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और सॉल्यूशन के साथ उसका हम लेक्चर आपको YouTube के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। और नोट्स आपको लेना होगा तो नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा हमसे। नंबर बता देते हैं, नंबर है 7372864135। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम, विलेज से बताइएगा। इसके पीछे वाला यदि आप 3 गो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन। और देखिए, इस प्रकार से हम पूरा फिजिक्स को आपका 2 नंबर और 5 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है सब हम आपको बता देंगे एकदम चैप्टर वाइज, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। नंबर एक आपके सामने देखिए रहा, क्वेश्चन नंबर एक है कि विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिखना है। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिखें, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिखें। सबसे पहले जानिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक आवेश है, कोई धन आवेश है, और धन आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है। धन आवेश के चारों ओर क्या है, एक क्षेत्र है। तो धन, किसी धन आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, किसी धन आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। कहने का मतलब है कि धन आवेश है, इसके क्षेत्र में आप किसी धन आवेश को लाइएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन जब ऋण आवेश को लाइएगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो उस पर आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वही क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वही क्षेत्र इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास में जो बच्चा बदमाशी करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र से बाहर कर देंगे, यानी कि भगा देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। और जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको हम बैठा के पढ़ाएंगे। तो मेरा पढ़ाने के दौरान क्लास में एक क्षेत्र होता है जिसमें आने वाले बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास से तो भगा सकते हैं या उसको क्लास में बैठा के पढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार से आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित कर सकता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो वही क्षेत्र कहलाता है आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा समझ गए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए, क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इरा। देखिए, क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। इसका एसआई मात्रक तथा बीमा बताएं, साथ ही बताना है कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले परिभाषा लिखना है। इसके पहले जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने से, जैसे मान लीजिए कि आवेश क्यू है और आवेश क्यू के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर में हम लोग किसी बिंदु पर दूसरे आवेश को लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो या तो आवेश आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है। अपने प्रकृति के अनुसार यदि लाया गया आवेश धन आवेश होगा तो प्रतिकर्षित होगा, और यदि लाया गया आवेश ऋण आवेश होगा तो आकर्षित होगा। और देखिए, किसी भी आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए विद्युत क्षेत्र को उस पर बल लगाना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, बल लगाता है। बल के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र आवेश को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही को किसी को आकर्षित करना हो तो उसको बल लगाना पड़ेगा, धर के खींचना पड़ेगा या ढकेलना होगा, यानी कि धक्का देना होगा, तो उसको बल लगाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से एक आवेश दूसरे आवेश को खींचता है या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो आवेश भी दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तो चलिए, मान लेते हैं कि आवेश क्यू को हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, बड़का आवेश क्यू के। तो देखिए, मान लेते हैं कि क्यू आवेश पर एफ बल लग रहा है। क्यू आवेश पर कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, एफ बटा क्यू बल लगेगा। एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, एफ बटा क्यू बल लगेगा। आ एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फार्मूला होता है ई बराबर एफ बटा क्यू। फार्मूला ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। अब देखिए, परिभाषा जान लीजिए। एकांक धन आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर
एकांक धनावेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश द्वारा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि देखिए क्यू आवेश द्वारा एफ बल अनुभव होता है, तो एकांक आवेश द्वारा एफ बटा क्यू बल अनुभव होता है, और जो एकांक आवेश द्वारा बल अनुभव होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो फॉर्मूला ई बराबर का हो गया एफ बटा क्यू। परिभाषा समझ गया ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और देखिए इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर हो गया। और साथ में देखिए इसका बीमा पूछ रहा है, तो बीमा हम लोग फार्मूला से निकाल लेंगे। बल का फार्मूला, बल का बीमा एम एल टी इनवर्स टू होता है, और आवेश का बीमा ए टी होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एम एल टी इनवर्स थ्री और ए इनवर्स, ये हो गया किसका बीमा हो गया, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो गया एम एल टी इनवर्स थ्री। और साथ ही क्या है, ये अदिश नहीं सदिश राशि है, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है ना, तो फार्मूला होता है ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू, तो ये आपका सदिश राशि। अब देखिए पूरा को एक लाइन में हम बोलते हैं, एक लाइन में कैसे याद करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है, तथा बीमा एम एल टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स होता है, और यह एक सदिश राशि है। एक लाइन में पूरा क्लियर, ठीक ना। इसी प्रकार से एग्जाम में लिखिएगा, इसी प्रकार से नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो चलिए, तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ये सदिश राशि है। अब चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर आपका क्या है, पॉइंट नंबर तीन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। देखिए ये तो आप लोग जान गए कि आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देता है, वो विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देता है, दूसरे आवेश को उसके नज़दीक ले जाते हैं, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के द्वारा अनुभव होता है कि हाँ इस आवेश के चारों ओर जरूर ऐसा कुछ है जो दूसरे आवेश को या तो आकर्षित कर रहा है या तो प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उस क्षेत्र को दिखाई जो नहीं देता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आवेश के सतह पर कुछ रेखाएँ खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आवेश है, तो आवेश के सतह पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए रेखा खींचते हैं। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आवेश के सतह पर क्या करते हैं, रेखाएँ खींचते हैं। तो चूंकि जो हम रेखा खींच रहे हैं ये किसको दर्शाने के लिए खींच रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींच रहे हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इन्हीं रेखाओं का कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए उसके सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए उसके सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझ गए, यही हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा। और देखिए इसका एक और परिभाषा होता है कि यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो धन आवेश जिस पथ से होकर के चलता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम धन आवेश लोग ला के छोड़ दिए, तो धन आवेश प्रतिकर्षित होकर मान लीजिए कि सीधे चल रहा है, तो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखा भी क्या है, सीधे है। तो दूसरा परिभाषा भी होता है कि यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो सूक्ष्म धन आवेश जिस पथ से होकर के जाएगा उसी पथ को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए आवेश के सतह पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए रेखाएँ खींच देते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो याद हो गया होगा विद्युत क्षेत्र की रेखा की परिभाषा, याद होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए उसके सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक ना। चलिए याद हो गया होगा आप लोग को, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पाँच गुण लिखें। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कई गुण लिखना है, पांच गुण लिखना है। तो देखिए हालांकि गुण तो इसका बहुत सारा होता है, लेकिन हम आप लोग को मेन पांच गुण बता देते हैं। कौन कौन,
जैसे देखिए मान लीजिए कि आवेश सही, तो पहला बात है, पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा के कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है। पहला गुण क्या है कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, ये पहला गुण है। ठीक, याद रखिएगा कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, याद रहेगा। चलिए दूसरा गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा किससे उत्पन्न होता है? धन आवेश से उत्पन्न होता है। ये दूसरा गुण हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश उत्पन्न होता है। तीसरा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह पर लंबवत होती है। तीसरा गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह पर लंबवत होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह पर किस प्रकार से होती है, तो लंबवत होती है, तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर कहाँ समाप्त हो जाता है? ऋण आवेश पर। जैसे मान लीजिए कि धन आवेश है, आई वाला आपका ऋण आवेश है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा धन आवेश से, और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाता है इसे। तो ये हो गया आपका कौवा गुण, हो गया चौथा गुण, हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है। ठीक, और पांचवा गुण है कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण क्या है कि आवेश की एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। आवेश की एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते रहती है। इसीलिए देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे दूर भाग रही है, दूर भाग रही है कि नहीं? तो पहला गुण था ना कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहता है, और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही दिशा होता है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही दिशा होता है। तो सबसे मेन गुण इसका हुआ कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि आवेश की एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, आ एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक दिशा होता है। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो गो दिशा हो जाएगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का दो गो दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, विद्युत क्षेत्र के गुण के खिलाफ है। ठीक ना, तो हो गया पाँच गो इम्पोर्टेंट पॉइंट। पाँच गो में से दो तीन गो तो आपका इसी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बार बार, आ याद रहेगा तो एग्जाम में हम लोग लिख के गर्दा कर देंगे। ठीक ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ही रहा, क्वेश्चन नंबर पाँच है कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है, खास करके 2014 में पूछा था, जिस साल सबसे भारी क्वेश्चन आया था 2014-2018, उसमें देखिएगा दोनों साल ही क्वेश्चन आप पूछ ले हैं, लेकिन की हालत ख़राब करके रख दिया था। चलिए दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो देखिए इसका आंसर बताते हैं। हालांकि पीडीएफ हम आप लोग को जो दिए हैं उस पीडीएफ में भी इसका व्याख्या है आंसर का, और नहीं पीडीएफ जिनके पास है तो कृपया करके इस नंबर पर क्या करें, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें 7372864135, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, विलेज बताइए। ठीक ना, और आपको टोटल दम स्टडी मटेरियल चाहिए, एकदम पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल जितना कि 12 क्लास के लिए सफिशियंट होता है, तो साथ में 101 रुपया गुरु दक्षिणा भी दे दीजिए गुरु जी के, कैसे गुरु जी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो गुरु दक्षिणा दीजिएगा ना, लेकिन गुरु दक्षिणा इस नंबर पर दीजिएगा 7488455317, इस नंबर पर आप लोग गुरु दक्षिणा दीजिएगा। ठीक ना, 101 रुपया, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो देना बनता है। तो चलिए सब, दो समान विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो देखिए इसका आंसर क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होता है। आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है। पहला बात हो गया कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहता है। आवेश की एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक, तो यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटे तो
तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो कि संभव नहीं है, इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। समझ गए? आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। तो इस प्रकार एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही दिशा होता है, और यदि बाय द वे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटे तो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के कई गो दिशा हो जाएगा, दो गो दिशा हो जाएगा, जो कि नियम के खिलाफ है। इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है वो कभी एक दूसरे को स्पर्श करेगा? जब स्पर्श से नहीं करेगा तो काटेगा कहाँ से? काटे कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो प्रतिकर्षित कर रहा है वो कभी टच ही नहीं करेगा, और टच करवे नहीं करेगा तो काटेगा कैसे? ठीक ना, समझ गए कि दो विद्युत क्षेत्र का क्या नहीं करता है, ये इसका मेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे। यह अभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आवेश Q1 है, इस आवेश से R1 दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 है। कितना विद्युत क्षेत्र है? E1 है। यहाँ पर मान लीजिए कि आवेश Q2 है, इसे R2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कि यहाँ पर E2 है, ठीक ना। और यहाँ मान लीजिए कि वो Q3 है, और इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? E3 है, ठीक। तो देखिए, अनेक आवेशों के कारण जैसे इस आवेश के कारण, इसी आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, कोई यहाँ पर बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र टोटल कितना होगा, तो जिसे अनेक आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान, जैसे एगो आवेश Q1, एगो Q2, एगो Q3, इस सभी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है, सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ Q1 आवेश रहेगा, Qn आवेश है, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा? En होगा। तो इस बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के योगफल के बराबर होगा। तो विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसी एक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो फिर से सुन लीजिए कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर E बराबर E1+E2+E3+...En। ये हो गया आपका, एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा, दो नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा एक भी नंबर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक तथा बीमा बताएं, यह सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा बताना है। चलिए मान के चलिए कि ई एगो आपका क्षेत्रफल है। ये क्या है? कोई एगो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का नाम है ए। क्षेत्रफल का नाम क्या है? ए। और इससे गुजरने वाला टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला आपका विद्युत क्षेत्र कितना है भाई? ई है, ठीक ना। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा सुन लीजिए। इसका दो को परिभाषा होता है। पहला परिभाषा होता है कि किसी क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र के अभिलंबवत, जैसे मान लीजिए कि क्षेत्र है, आ इसके अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, तो इसके अभिलंबवत जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा वही क्या होगा? विद्युत फ्लक्स होगा। तो परिभाषा क्या होगा कि किसी क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
तो इसका एक और परिभाषा होता है, एक और परिभाषा क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, किसी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि क्षेत्र है, आई क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ई है, आई क्षेत्र के क्षेत्रफल कितना है ए है, तो इस किसी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र जो कि ई हो गया और इस क्षेत्र के क्षेत्रफल जो कि ए हो गया के बिंदु गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट के मान को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या हो गया कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिंदु गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ई डॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, यही हो गया विद्युत फ्लक्स का आपका फॉर्मूला, ई ए कोस थीटा कहिए और चाहे ई डॉट ए कहिए। अब देखिए इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, दो गो इसका एसआई मात्रक होता है, एगो तो यहाँ से निकाल लेंगे, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका एगो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स इसका हो गया, एगो मात्रक ही हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स इसका मात्रक हो गया। इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक दो गो हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वोल्ट मीटर। और देखिए इसका बीमा भी निकाल देते हैं, इसका बीमा निकालने के लिए इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इसका होता है ई ए कोस थीटा, ठीक ना। तो फार्मूला के अनुसार हम रख रहे हैं ई का, ई माने विद्युत क्षेत्र, इसका हम बताए थे क्या होता है एम एल टी इनवर्स थ्री होता है आ ए इनवर्स होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है आ कोस थीटा का कोई बीमा नहीं होता है। तो देखिए इसका गुना होगा एल स्क्वायर इंटू एल, तो क्या हो जाएगा एम एल क्यू टी इनवर्स थ्री और ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। और यह आपका एक अदिश राशि है, यह क्या है अदिश राशि है। अब चलिए पूरा एक लाइन में समझिए विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है कि किसी क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में होता है कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है और इसका या वोल्ट मीटर भी होता है, और इसका बीमा एम एल टी इनवर्स थ्री ए सॉरी एम एल क्यू टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स होता है, एम एल क्यू टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स होता है, और यह एक अदिश राशि है, ठीक ना। ये पूरा एक लाइन में आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था आपका, समझ गए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग साथ में, क्योंकि हम जो आपको पीडीएफ भेजे हैं उससे भी आप लेके नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। याद क्या कीजिए कि नोट्स नहीं बना सकते हैं तो पीडीएफ से ही याद कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए और पीडीएफ से याद कर लीजिए, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। ऐसे करके चैप्टर वाइज हम लोग पूरा बना लेंगे तो पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, फिर फिजिक्स में 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, बस अर्थ कि आपका राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग पर बहुत फोकस करते हैं टीचर लोग, खास करके कॉपी चेक करने वाले, तो राइटिंग जरूर थोड़ा सुधार लीजिएगा, फिर आपका 90 प्लस आ ही जाएगा, 90 प्लस नहीं आएगा तो 80 प्लस तो पक्का आएगा, लेकिन जिनका राइटिंग बहुत अच्छा होगा उनका तो 90 प्लस कोई नहीं रुकेगा फिजिक्स में, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।